नमस्कार। डुमरियागंज के बाद बात उस लोकसभा सीट की जो चुनावों से पहले प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले ही गजब चर्चा में आ गई थी और वो जूता कांड की वजह से चर्चा में आई थी। तो अब बड़ी आसानी से आप जान गए होंगे कि मैं संत कबीर नगर खलीलाबाद जो पहले संत कबीर नगर लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जहाँ से भाजपा के सांसद शरद त्रिपाठी हैं और उन्होंने जूता चला दिया था, मार दिया था राकेश बघेल को, जो वो भी भाजपा के ही विधायक हैं। तो ये कुल मिला के है। और चूंकि उस वक्त जब ये चला था तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को भाजपा से निकाल बाहर करना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी बात सुनी, वो अच्छी बात है कि शरद त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया है यहां से। लेकिन पता नहीं भाजपा के टिकट बंटवारे का तरीका इस बार नहीं समझ में आया कि जो प्रवीण निषाद गोरखपुर में भाजपा को हरा के इतने मजबूत थे, सपा के टिकट पर हरा दिया था, उन प्रवीण निषाद को वहां से उठाकर और संत कबीर नगर में टिकट दे दिया। तो वो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। मतलब वो शायद इसलिए कि शरद त्रिपाठी और उनका तो ब्राह्मण ठाकुरों का झगड़ा ना हो। तो ये काम तो अच्छा किया, टिकट नहीं दिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये है कि ब्राह्मणों में ये संदेश चला गया है कि टिकट इसलिए कटा क्योंकि राकेश बघेल वो योगी आदित्यनाथ का बड़ा नजदीकी है और इसी वजह से जो है वो शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया। तो ब्राह्मणों में भारी नाराजगी है और अब इस नाराजगी का कहें कि फायदा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पहले यहां से सांसद भी रहे हैं, भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, जो एक समय में पूर्वांचल के बड़े माफिया रहे और हरिशंकर तिवारी उनके बेटे हैं, तो क्या वो फायदा उठा ले जाते हैं ब्राह्मणों की लामबंदी करने में, या फिर भारतीय जनता पार्टी उसको किसी तरह रोक पाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि ये बड़ा उस सीट को लेकर बहुत ज्यादा था, पहले शरद त्रिपाठी को कमजोर बताया जा रहा था, फिर बड़े मजबूत हो गए थे, ब्राह्मण लामबंद हो गए थे, लेकिन अब कुल मिला के स्थिति ये है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है कि टिकट कट गया और प्रवीण निषाद को ले आए हैं। तो क्या ये कितना फायदा नुकसान करेगा, ये एक समझने की थोड़ा सा स्थिति अभी बन नहीं पा रही कि कैसा होगा। और अच्छा, कमाल की बात यह है कि शरद त्रिपाठी का टिकट काटा तो ज्यादा नाराज न हो ब्राह्मण, इसलिए उनके पिताजी को, जो रिटायर हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी शाह के समय में, लोगों को कहा जा रहा है कि अब आपका समय हो गया, रिटायर होइए, पहली बार ऐसा राजनीति में हो रहा है। हालांकि मैं इसके पक्ष में हूं कि 75 पार के नेताओं को बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए, बल्कि उसके पहले ही 70 के आसपास उनको देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो, और पता नहीं क्यों राजनीति करने वाले लोग जो इतनी बार सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, इतनी चीजें बन जाते हैं, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद उनको नहीं सोचता कि हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं इतनी ताकत अर्जित करने के बाद। तो मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ खोट है, बस वो कुर्सी से चिपके रहने की प्रवृत्ति है, सत्ता चाहिए। तो उस लिहाज से मैं इसका पक्षधर हूं कि कहीं कहीं जाके तो रोक लगनी चाहिए, वरना चार चार पीढ़ी निकल जाती है और नए नेता आके चले जाते हैं और एक कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है जो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां हुआ इसका उल्टा कि शरद त्रिपाठी का टिकट काट के जो नौजवान है, उनके पिता जो राजनीति से रिटायर हो चुके थे, और सच बात यह भी है कि रमापति राम का न तो कोई आधार है और न उस तरह से कोई बहुत प्रभावी नेता रहे, और टिकट किसका काटा, कलराज मिश्रा का, इसी नाम पे कि आप रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं तो आप चलिए रिटायर हो जाइए, तो उनका टिकट काट के और देवरिया से रमापति राम का टिकट दे दिया है। तो ये भी बड़ा विचित्र है कि प्रवीण निषाद को आप गोरखपुर से यहाँ लाके ले आते हैं और उनको रमापति राम को कलराज जी के टिकट काट के उनको लड़ा देते हैं। तो बहुत विचित्र सा समीकरण है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि मोदी नाम केवलम चल रहा है तो उसके भरोसे ये सब कुछ सारे जो ऊट पटांग प्रयोग हैं, प्रयोग ऊट पटांगा वो भाजपा में चल रहा है। और कांग्रेस ने हालांकि थोड़ा सा एक ऐसा काम कर दिया है कि जिससे भाजपा को मदद हो सकती है, वो कितनी मदद होगी पता नहीं। पहले यहां से परवेज खान को टिकट दिया था, लेकिन अब उनका टिकट काट के समाजवादी पार्टी के नेता, मजबूत नेता हैं और दो बार के सांसद रहे, भालचंद्र यादव को टिकट दे दिया है। तो अब ये एक चीज है, भालचंद्र भी बाहुबली हैं, कुशल तिवारी भी बाहुबली हैं, तो अब देखिए क्या स्थिति बनती है। और भालचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर 2014 में तीसरे स्थान पर रहे थे, दूसरे स्थान पर भीष्म शंकर तिवारी। तो हालांकि उन दोनों के बीच में फासला बस 10,000 मतों का था, तो करीब करीब 2.5-2.5 लाख मत दोनों को मिला था और 3.5 लाख मत शरद त्रिपाठी पा गए, तो वो जीत गए। तो अब बसपा सपा तो है नहीं, हालांकि ये दोनों ही प्रत्याशी हैं, तो ये एक स्थिति है। और अगर भाजपा को इनके बीच में वोट बंटा तो शायद उसका लाभ हो जाए। और एक और चीज भाजपा के पक्ष में है कि सभी पांचों विधानसभा सीटों, आलापुर, मेहंदावल, खलीलाबाद, धनघटा और खजनी, ये सब के सब जो है
भाजपा विधायकों के पास, यानी सब जगह कमल खिला हुआ है। तो इसी भरोसे भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि संत कबीर नगर में इतने ऑड्स के बीच में, इतनी विषम परिस्थितियों के बीच में, इतनी छीछा लेदर के बीच में, इतनी जूता पैजार के बीच में, असल में जूतम पैजार हुई है वहां, तो इतनी जूतम पैजार के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि इन्हीं स्थितियों की वजह से वो सीट ये जीत सकेगी।